नमस्कार दर्शकों, पाइनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं अनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2020 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो भुलाने से भी हम नहीं भूल पाते। हम आपके लिए आज एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं जो एक मिस्ट्री बनकर रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सितारे सुशांत सिंह राजपूत की। जिन्होंने 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात उछा ली। सुशांत एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करते थे और अपनी मेहनत और अपने बलबूते के दम पर ही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। इस केस में कुछ दिन बाद रिया चक्रवर्ती का नाम उछला। केस में सबसे ज्यादा जो नाम सामने आया वो रिया चक्रवर्ती का ही था और उनके साथ उनके भाई और अन्य कई नाम जुड़े। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू हुई और जांच का दायरा बढ़ता गया। एनसीबी अब तक कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सुशांत के परिवार ने रिया पर पैसे ऐंठने और आत्महत्या और उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत की मौत आत्महत्या थी या हत्या, ये बात अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, साल 2020 बॉलीवुड के लिए काला साल रहा। साल 2020 में बॉलीवुड ने सुशांत के अलावा कई दिग्गज कलाकार खोए। इनमें इरफान खान, ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता शामिल हैं और बॉलीवुड की सबसे मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी भी 2020 में टूट गई। बॉलीवुड की मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी इंडस्ट्री में म्यूजिक के लिए फेमस थी, लेकिन 1 जून 2020 को ये जोड़ी टूटी। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी मौत कोरोना वायरस से हुई थी। बॉलीवुड का जाना माना नाम आसिफ बसरा, जो 12 नवंबर को धर्मशाला में मृत पाए गए। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में साल 2018 में पता चला था। कई महीनों तक लंदन में उनका इलाज जारी रहा, मगर 29 अप्रैल को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड अभी इरफान खान की मौत से उभरा ही नहीं था कि अगले ही दिन 30 अप्रैल को बॉलीवुड दिग्गज ऋषि कपूर का निधन हो गया। बता दें कि ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वो अपने आखिरी दम तक बॉलीवुड में सक्रिय रहे। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 2 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। सरोज खान बाल कलाकार के रूप में फिल्म जगत से जुड़ी थी। बता दें कि सरोज खान को मिस्टर इंडिया के हवा हवाई गाने से पहचान मिली थी। वहीं बॉलीवुड का जाना माना नाम आसिफ बसरा, जो 12 नवंबर को धर्मशाला में मृत पाए गए थे, उनका जाना भी इंडस्ट्री के लिए सदमे से कम नहीं था। तो दर्शकों, आज की श्रृंखला में फिलहाल इतना ही। 2020 से जुड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।